प्रियंका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम सुनेंगे सक्सेस स्टोरी हमारी एक क्लाइंट की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आपसे भी, हाँ आपसे भी मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज आपके बिलीफ को बूस्ट करने में मदद करती हैं दोस्तों। यह हमारी क्लाइंट है और इन्होंने इंसिस्ट किया कि इनका नाम ना बताया जाए, तो मैं इनका नाम आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। ये हरियाणा की रहने वाली है, बहुत ही स्वीट गर्ल है और ये मेरे पास रिलेशनशिप के इशू को लेकर आई थी। इनका इनके बॉयफ्रेंड से 26 मार्च को ब्रेकअप हो गया था क्योंकि इनके बॉयफ्रेंड का रिश्ता कहीं और तय होने जा रहा था। वो अपनी फैमिली में इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर पा रहा था, तो ये बहुत ही परेशान थी। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया अभी 4 जुलाई के पहले और इन्होंने मुझसे बताया कि मैम इसके पहले मैंने स्क्रिप्टिंग और 55x5 जैसी टेक्निक्स यूज़ की, मुझे रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, परेशान थी, तनाव में थी और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। और फिर मैंने इन्हें समझाया और उस समय काफ़ी डेस्परेट थी कि बस किसी तरीके से वो वापस आ जाए, तो मैंने उनको समझाया कि जब आप किसी चीज़ के प्रति भागते हो तो वो चीज़ कभी आपके पास नहीं आती। दूसरी बात, जब उसका रिश्ता कहीं और तय होने जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि इज ही वर्थी, क्या वो इस लायक है कि आप उसे मैनिफेस्ट करो। किसी से सच्चा प्यार करना एक बात है, लेकिन ज़रा सोचो तो जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या वो तुम्हारे लायक वाकई में है। तो इनको फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सोलमेट प्रोग्राम लेना चाहती हूँ और अपनी एनर्जी पर काम करना चाहती हूँ। तो इन्होंने सोलमेट प्रोग्राम ज्वाइन किया, 4 जुलाई को ज्वाइन किया। फिर मैंने इनको काफ़ी सारी चीज़ें बताया और इनसे मैंने बोला कि आप प्रोग्राम तो ले रहे हो लेकिन आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सोचोगे, आप एक नया पार्टनर मैनिफेस्ट करो जो कि आपका सोलमेट हो। मैंने उनसे बोला कि आप 15 दिन तक जो अभी निगेटिविटी है उसको लिख करके बर्न कर दो, एक लिस्ट बनाओ पॉजिटिव एस्पेक्ट की जो आप अपने नए पार्टनर में, सोलमेट में देखना चाहती हो। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, कोर्स में दी गई चीज़ों को फॉलो किया उन्होंने। और अभी परसों इनका मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि मैम आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर कीजिए। जब इन्होंने कोर्स करना शुरू किया था इनके भीतर बहुत डाउट था, एंग्जाइटी था, फियर था, एक्सपेक्टेशन था दोस्तों, पर जैसे जैसे ये कोर्स करने लगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगी, सारी निगेटिविटी, एंग्जाइटी, फियर, डाउट सब ख़त्म होने लगी। धीरे धीरे जो इनके क्रशेस थे वो इनको फ़ोन करने लगे, ठीक है, और जो भी उन्होंने लिस्ट बनाई थी वैसे ही मिलते जुलते लड़कों के रिश्ते इनके लिए आने लगे। और सोने पे सुहागा बात ये देखिए कि वो जो इनका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने इनसे ब्रेकअप कर लिया था, जिसका रिश्ता कहीं और होने जा रहा था, वो इनको फ़ोन करके कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन इस लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, इतना पावर आ गया था कि इसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती, अब मुझे पता है कि मैं एक बेस्ट पार्टनर डिजर्व करती हूँ जो मेरे प्यार की कदर करे, मेरे टाइम की, मेरी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करे, मेरी कदर करे, जो मेरे लिए स्टैंड ले। सो आई नो आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई डोंट नीड यू, थैंक यू, टाटा बाय बाय, इन्होंने ऐसा कहा। एंड शी रिप्लाइड विथ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और इन्होंने मुझसे बताया कि मैम दिस इज़ द सीनरी। वो लड़की जो एक बंदे के लिए बिल्कुल डेस्परेट थी, परेशान थी, तनाव में थी, आज वो लड़की शेरनी की तरह डहारती, अपने लिए खड़ी होती, आज उसका सेल्फ रिस्पेक्ट 10/10 है, आज वो लड़की अपने लिए बेस्ट सोलमेट को डिजर्व करती। और यही लड़कियों मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि प्यार करो, प्यार को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। ज़िंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं उसके पीछे भागो मत, उस चीज़ को अपने पास आने दो। कई बार क्लाइंट्स मुझसे संपर्क करेंगे, मैम अगर हम ये प्रोग्राम ले लेंगे तो वो जो है हमारे पास आ जाएगा,
भाई मैं कैसे डिसाइड करूंगी, ये डिसाइड करने वाले तो आप हो ना, ये आपकी एनर्जी, आपकी वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम, आप कितना रेडी हो कमिटमेंट के साथ अपने ऊपर काम करने के लिए और कितना रेडी हो लेट गो करने के लिए। और जैसे ही आप इजी हो जाते हो आपकी लाइफ में अपने आप हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है, अपने आप को सुधारो। जब आप सुधर जाओगे ना, जब आप अपने भीतर जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी वाइब्रेशन बाहर जाती है और कैसे धमाका करती है। और ऐसी ही प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं। थैंक यू आपको कि आपने हमारे साथ इतनी प्यारी स्टोरी शेयर की, और ऑल द बेस्ट। जल्द से जल्द हम आपकी शादी की सक्सेस स्टोरी भी सुनना चाहेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।